हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोगों के लिए हम फिर से एक वेडिंग लहंगा लेके आए हैं। आप देख ही सकती हैं इसका लुक और इसका दुपट्टा, ब्लाउज, लहंगा, हमने तीनों ही चीज़ आप लोगों के साथ मतलब शेयर करेंगे। हमने बनाई है बहुत ही इजी तरीके से, इस लहंगे को हमने बनाया है, बिल्कुल भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ब्लाउज में इस तरीके से डीप गला बना के मैंने डोरी दी है पीछे, और लुक आप देख ही सकते हैं। दुपट्टा भी मैंने बहुत ही प्यारा बनाया, इसका पूरा 3 मीटर का दुपट्टा मैंने इसको बना के। फ्रेंड्स, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आई है वेडिंग लहंगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है मैंने इसको। चलिए तो कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं इसका। फ्रेंड्स नमस्ते, मैं कविता। फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनुज कुमार में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम शादी के लिए घेरेदार सीक्वेंस का लहंगा बनाना, जिसके लिए मेरे पास फ्रेंड्स ये 6.5 मीटर सीक्वेंस का फैब्रिक है, और इसमें से मैं लहंगा भी और ब्लाउज भी दोनों रेडी करूंगी। मैं 20 कली का लहंगा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसका जो घेरा है नीचे का वो थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैं 20 कली का बनाऊंगी। मैंने 6.5 मीटर कपड़ा लिया है ये, ठीक है। जितना मेरा लहंगे में लगेगा उतना लगाने के बाद बाकी के फैब्रिक को हम बचा लेंगे ब्लाउज के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थोड़ा सा लहंगे के बारे में जान लेते हैं। जैसे लहंगे की जो मेरी तैयार लंबाई है वो है मेरी 40 इंच, ठीक है। उसमें हमारा 2 इंच बेल्ट का रहेगा, वो मैं पूरा स्क्रीन पर लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा अपना। और मैं आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ, ये देखिए आपका जो भी नाप है कमर का, जैसे मैं ये 38 कमर का बना रही हूँ, और हमें कितनी कलियां डालनी है, हमें डालनी है इसमें 20 कलियां। तो 38 को जो हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 2 इंच, और उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम उसमें सिलाई मार्जिन लेंगे, आधा इंच इधर जाएगा जब एक कली को सिलेंगे, आधा इंच दूसरी साइड जाएगा, तो 1 इंच का मार्जिन आपको जरूर लेना है, ठीक है। तो इसी मेथड से आप कितनी भी कमर हो आपकी, उसी हिसाब से आप अपनी कमर का मेजरमेंट डालें। फिर भी मैं पूरा स्क्रीन पे लिख रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए और अपना नाप डालिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे भी दे रही हूँ, ये देखिए, ताकि क्योंकि देखिए जिगजैग वाला कपड़ा है हमारा, तो हम इसमें से अम्ब्रेला तो बना नहीं सकते, तो इसलिए कलियों में ही कट करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा सा हमारा दिया हुआ है कलियों के लिए डायरेक्शन, यहाँ पे और यहाँ पे हर कली के लिए, तो ये कलियों में ही बनेगा। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, एक रफ कपड़ा लेके मोटा सा, और उसके नीचे मैंने पेपर पेस्टिंग से वो कर लिया है, ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और मुझे कलियां कट करने में आसानी हो जाए। तो मैंने देखिए जो नाप मैंने आपको भी बताया है उसी नाप से मैंने इसको कट किया है। जैसे मैंने 2 इंच अपना बेल्ट का निकाल के, और 40 मेरे लहंगे की तैयार लंबाई है, और जो हम मोड़ेंगे उसके लिए भी हमने लिया है। तो हमने टोटल, क्योंकि जब कलियां जोड़ते हैं तो उसमें भी हमारा आड़ा टेढ़ा जाता है, तो मैंने 2 इंच निकाल के मैंने टोटल 43 इंच लिया है। ये इसकी लंबाई है वो 43 इंच ली है, क्योंकि मेरा इसमें नीचे मैं बोन पट्टी भी लगाऊंगी, नीचे बुकरम भी लगाऊंगी, और कुछ कपड़ा हमारा इसमें से वेलवेट का भी है जिसको हम यूज में नहीं लेंगे, ठीक है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले लीजिए, सबसे मेन होता है कमर का। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी 38 कमर है, 38 को 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 इंच आता है, तो मैंने यहाँ से लिया है ये 3.5 इंच। वैसे मुझे 3 इंच लेना चाहिए था, तो मैंने 3.5 इंच इसलिए लिया है ताकि मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सिल सकूँ, मतलब आधा इंच से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सिलूंगी इसको, ताकि इसमें अच्छी फिनिशिंग आए, ठीक है। तो इसको अब हम पूरा रख के और कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6.5 मीटर फैब्रिक है, आप देख सकती हैं मैंने पूरे हॉल में इसको बिछा लिया है, तब भी वहां पे बच रहा है लगभग 1 मीटर कपड़ा। तो ये हमारा ऊपर ऐसे बेलबेट आया हुआ है, और पूरे में एम्ब्रॉयडरी है ये। मैं इस तरीके से इसको, जो मैंने कली आपको भी दिखाई थी, इसको रख लूंगी बिल्कुल बीच सेंटर में ऐसे, और इस तरीके से हमें ये कट करना है पूरा ही इसको।
तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक साइड से हमें, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, पहले एक साइड से ऐसे रखा कली को, फिर जो चौड़ाई वाली साइड है उस साइड से आपको रखना है अपना कमर वाला हिस्सा, और जिस साइड से ये कोना निकला है, मतलब वो खैर खुद ही अपने आप ही बन जाता है, उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे जिस साइड से हमने अब की बार चौड़ाई रखी उस साइड से हमें कमर रखनी है, तो ऐसे ही कर करके हमें बिल्कुल इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी सारी कलियाँ कट कर लेनी है। ये देखिए ऐसे, तो इसी तरीके से कट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हुआ है समझने में, और ये मैंने वेलवेट के ऊपर सीक्वेंस का, इसमें जो पूरा लुक है वो इस तरीके से आया है, अगर आपको सीक्वेंस का फैब्रिक ना लेके कोई और फैब्रिक ले रहे हो तो कटिंग आपकी सेम ऐसे ही होगी कलियों की, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि कलियाँ सेम ही कटेंगी। तो जैसे हमने ये सारी कलियाँ हैं जो, वो लगभग हम अपनी कट कर लेंगे, इस कपड़े को हम अपनी ब्लाउज़ के लिए बचा देंगे। देखिए इसमें से मेरा आराम से ब्लाउज़ निकल जाएगा, फिर भी मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने एक कली और निकाल ली इसमें से, क्योंकि मुझे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी कलियाँ कट कर ली हैं। और जोड़ना कैसे है, एक जैसे अभी दोनों सीधी साइड रखी हैं, इसके ऊपर इसको ऐसे रखना है और बिल्कुल जोड़ लेना है इसको, और कहीं से भी कोई भी कली मेरी छोटी बड़ी नहीं है, मैंने पूरी कली चेक कर ली है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमने ड्राफ्टिंग ली थी कटिंग कली कट करने के लिए, वो हमारी एकदम परफेक्ट थी, तो उसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं होगी, और मेरा 80 सेंटीमीटर में ब्लाउज बन जाता है। तो ये कपड़ा मैंने ब्लाउज के लिए बचा लिया है। मेरी 19 कलियां निकली हैं, ये चीज भी मैं आपको बता दूं, मेरी 19 कलियां निकली हैं, और उसमें से मैंने ब्लाउज के लिए ये इतना कपड़ा बचा लिया है अपनी ब्लाउज में जो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, तो इसकी सिलाई करना आप शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले कली को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर दूसरी कली को उल्टा रखेंगे, ठीक है, और कोई इसमें पार्ट वार्ट का कोई चक्कर नहीं है, बस आप रखते जाएं और सिलते जाएं। डायरेक्शन कलियों का हमारा एक ही साइड को है, क्योंकि हमने इसका जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही कट किया है, एक बार इस तरफ रखा, एक बार दूसरी इस तरफ रखा। आप कलियाँ अच्छे से देखिए मैंने कैसे कटिंग की है। तो हमें सभी कलियों को, जैसे ये दो जोड़नी, अब तीसरी कली को भी ऐसे ही उल्टा करके रख लेना है, और अपनी जितनी भी आपकी कली हैं उनको बस, और ध्यान रखें कि जो मार्जिन है, जितना हमने जैसे 3 इंच लिया, हमारा 2 आ रहा था, तो हमें आधा आधा इंच ही दबाना है, उससे ज़्यादा या कम बिल्कुल नहीं करना है, ताकि हमारा कमर का मेजरमेंट एकदम फिक्स आए। अगर उसमें हम कम ज़्यादा करेंगे तो कमर ज़्यादा हो जाएगी। तो सभी कलियों को मैंने जोड़ लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कलियाँ सारी जुड़ गई हैं, आप देख ही सकती हैं घेरा कितना सारा आया है, 19 कलियों का। तो जैसे वैसे तो सब कलियां बराबर हैं, बट कई बार हो जाता है ना थोड़ा बहुत छोटा बड़ा, तो जैसे ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कली दिख रही होगी आपको, ये देखिए थोड़ी सी बड़ी हो रही, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं कोई आपका बिगड़ेगा लहंगा। आपको क्या करना है, यहां से इस कली को ऐसे और थोड़ा सा कट कर देना है, ये देखिए ये हो गई ना, अब ये पार्ट हमारा निकल गया। अब दूसरी कली को जहां से भी आपको लग रहा है ना छोटा बड़ा है कपड़ा, वहां से इस तरीके से आप बराबर करते हुए जाएं, जैसे यहां से ये बड़ा है तो इसको भी आप ऐसे ही कट करके यहां तक मिला दें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको नीचे से बॉटम से बिल्कुल बराबर कर लिया है। अब आप देख सकती हैं इसका बॉटम, ये कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है, ये एकदम बराबर है। तो आप भी अगर कली वाला लहंगा बना रहे हो तो इसी तरीके से बनाएं। अगर अम्ब्रेला में बनाना है तो उसका भी घेरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है बराबर करना, जो गाउन वगैरह। और यहां से देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमारी बेल्ट आएगी, तो मैंने ये बेल्ट भी कट कर ली है, जो मेरा ब्लाउज के लिए मैंने फैब्रिक बचाया था उसी से मैंने एक बेल्ट भी कट कर ली है। इसकी पूरी टोटल लंबाई 38 इंच है। तो यहां से देखिए हमने इसको 5 इंच का कट किया है, क्योंकि हमारा ये सिलाई मार्जिन में भी जाएगा, इस तरीके से हमारी ये बेल्ट लगेगी। तो ये मैं लगभग 2 इंच की लगाऊंगी, तो आधा इंच मुझे सिलाई मार्जिन भी चाहिए, तो मैंने इसको इतना कट किया है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये निकल जाएगा, क्योंकि ये लंबी है बहुत, इसको साइड में हटा देते हैं। और ये मैंने 2 मीटर टाफेटा का फैब्रिक लिया है, और ये मैंने 8 मीटर केन ली है, जिसको हम लहंगे में लगाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, कि हमारा जो अस्तर है इसकी कटिंग करेंगे। तो टाफेटा का फैब्रिक है, ये अंदर ही आएगा, तो आप ये मत कहना प्लीज कि प्रेस नहीं है इस पे, क्योंकि ये बहुत हार्ड कपड़ा होता है और उस पर प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने 2 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि इसका पना 60 का है। अगर आपके कपड़े का पना 40 का है तो आप इस कपड़े को 3 से 3.5 मीटर लें,
तो यहाँ से अब हमारे जो इस लहंगे की लेंथ है वो मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ। अब ये हमारी लहंगे की लेंथ पूरी प्रॉपर, एक मिनट, हम अपने लहंगे की लेंथ नापेंगे बेल्ट का हटा के, हम 2 इंच बेल्ट का हटा के और नापेंगे। तो देखिए हमारे पास ये हमारा जो लहंगा तैयार रहेगा वो 41 का रहेगा तैयार। ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, क्योंकि हम इसमें जो वो होती है बुकरम होती है हार्ड वाली, वो लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये हमारा सिलाई में दब जाएगा, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन हर किसी में चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं इसको अभी साइड में कर देती हूँ। अभी इसको कर लेते हैं अम्ब्रेला में कट, ठीक है। तो इसको हम, आप चाहें तो कलियों में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये अम्ब्रेला में इजिली कट हो जाएगा। तो 2 तह में कपड़े को बिछा के अब ऐसे इसको तिकोना कर देंगे, यहां से तिकोना करके और इसको बराबर कर लेंगे। तो 38 का चौथा हिस्सा आता है 9.5 इंच, तो मैं यहां से 11 इंच ले रही हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो कपड़ा है वो छोटा बड़ा है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चल रही हूं। अब यहां से नापेंगे, 15 इंच है, यहां से भी ये 15 इंच ही होना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा हमारा आड़ा टेढ़ा है। अब हम इसकी लेंथ देखेंगे, इसको हमें अपने लहंगे से ऊंचा रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है, वरना लहंगे से नीचे निकलेगा ये। और मैं इस पे प्रेस करूंगी, लेकिन मुझे जितना कपड़ा चाहिए पहले मैं उतना निकाल लूं। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स, 2 इंच बेल्ट का निकाल के हमारी 41 इंच बैठ रही है उसकी तैयार लंबाई, ठीक है। तो हमें ये कितने पे कट करना है, ये हमें 38 इंच पे कट करना है बराबर करके बिल्कुल, क्योंकि 38 पे इसलिए कट कर रही हूँ क्योंकि मोड़ना भी है ये, तो यहाँ से हमारा 37 इंच तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ से 38 इंच की लेंथ लेके इसको पूरा कट कर लूंगी, 2-2 इंच निकाल के पूरे में मैं ये सर्कल बना दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरीके से एक दूसरे के साथ लाइन अप कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे घेरे की जो कटिंग है वो हो गई है, तो मैं इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने सिलाई मार्जिन नहीं लिया, तो मैं थोड़ा थोड़ा 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ इसी के बराबर बराबर। तो मैं ऊपर से सिलाई मार्जिन लेना भूल गई, तो मैं इसीलिए इसमें ले रही हूँ। तो ये देखिए ये कट हो गया। अब ये कमर वाला हिस्सा भी हम यहां से कट कर लेंगे। अब इसको यहां से मैं बराबर करूंगी, क्योंकि ये हमारा यहां से, और इसको हमें कट नहीं करना है, सिर्फ इसका ये वाला पार्ट में बराबर कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लहंगे में जुड़ जाएगा, लहंगे का एक ही पार्ट है, वरना जोड़ना पड़ेगा हमें ये। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारा सर्कल पूरा कट के रेडी हो गया है। देखिए ये मैंने केन ली है, ये हमारी लगभग 5 से 6 मीटर तक आप इसमें लगा सकती हैं। अगर आप कम घेर रखना चाहती हैं तो आप 3.5 मीटर भी ले सकती हैं, लेकिन मेरा थोड़ा हैवी है लहंगा, तो मैंने इसलिए ज्यादा ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 18 इंच है, लेकिन हम इसे मोड़ के लगाएंगे तो हमारी ये 9 इंच हो जाएगी। ये देखिए हमें इस तरीके से इसे मोड़ के लगाना है, ताकि ये चुभे भी ना, और ये अच्छे से जब हम इसे लगाएं तो घेरा इसका अच्छा आए। तो इसको साइड में कर देते हैं, ये हमने कट कर रखा है। अब नीचे से हमें कितना छोड़ना है, यहाँ से हम लगभग 6 इंच छोड़ेंगे, 6 इंच छोड़ के फिर उसके बाद हम अपनी केन को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 इंच छोड़ के अब एक निशान और लगाएंगे हम यहाँ से 15 इंच पे। तो 9 इंच की हमारी है ये तैयार, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, तो मैं यहाँ से 15-15 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये आ रहा है यहाँ से 15 इंच पे, आप इसे अंदाजे से भी लगा सकती हैं, अगर आपको अंदाजे से लगानी है तो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस निशान को पूरे में लगा लिया है, ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। नीचे से मैंने 6 इंच छोड़ के और फिर 15 इंच पे पूरे में निशान लगा लिया है, ये देखिए, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो।
केन केन लगाने में हम एक ही डायरेक्शन में अपनी केन केन को लगा सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने जो केन केन ली है उसको मैंने मोड़ के और इस तरीके से बॉक्स प्लेट डाल लेनी है। यहाँ से मैं कैमरा ऑन करना भूल गई, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से मैं दो दो इंच की बॉक्स प्लेट डाल रही हूँ और ये मुझे इतनी में ही डालनी है जितना हमारे हमने जो दो निशान लगाए हैं उनका घेरा है। तो इस हिसाब से आप नाप लीजिए बीच बीच में। अब मैं दूसरे केन केन पे आपको बताती हूँ। मैंने एक इंच तक सिला, दो इंच का मैंने मोड़ा, फिर से एक दो इंच का मोड़ के इसके सामने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों केन केन पट्टी को अच्छे से मोड़ दिया है। अब आप देख ही सकते हैं ये बिल्कुल घेरे के बराबर आ रही हैं। अब जैसे रखी हैं उसी निशान पे सिलाई लगा देंगे हम। तो देखिए मैंने जो निशान लगा रखे हैं, पहले हम पहली पट्टी को लगाएंगे जो थोड़ी बड़ी है, और ध्यान रखें जो हमारा बॉट ये सिलाई होगी साइड की वहाँ से एक इंच हटा के रखना है, क्योंकि जब हम केन के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो वहाँ से लहंगा टाइट हो जाता है। तो बस हम ऐसे ही इसको दबाते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो मैंने एक लगा ली है, अब दूसरी को भी आप चाहें तो इसमें एक ही लगा सकती हैं अगर आपको कम फ्लेयर चाहिए तो, लेकिन मैंने ये दो लगाई हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लहंगा है और ये हमारी कैन कैन स्कर्ट है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने इसको साइड से भी सिल लिया है, सिर्फ कमर वाला हिस्सा बचा है। अब इसके अंदर इसको ऐसे डाल देंगे, ये देखिए ऐसे डाल के अब इसको बिल्कुल नीचे तक करके, और इसका भी हम कमर वाला हिस्सा सिल लेंगे। जैसे साइड से मैंने ये लहंगा भी सिल लिया है, ये देखिए, और मैंने साइड में जिप भी लगा ली है फ्रेंड्स। केन केन के साथ थोड़ा हैवी हो गया था तो कैमरा सेट करने में दिक्कत आ रही थी, तो हमने साइड की जिप लगा ली है। साइड की जिप का वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हमने बहुत अच्छे से सिखाई है। अब हमने ये पट्टी ली है जिसको हमने एक साइड से मोड़ लिया है। अब इस पट्टी को उल्टा करके रखेंगे हम सीधी साइड को, और फिर ऐसे जैसे हमने उल्टी साइड को रखा है इसको पट्टी को, और फिर सीधी साइड को पलट देना है। और पट्टी की जो चौड़ाई ली है वो मैंने 4 इंच ली है, तो मेरा ये 2 इंच का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये करने के बाद हम नीचे बॉटम में अब बुकरम पट्टी लगाएंगे। तो जिसके लिए कपड़े की चौड़ाई ली है मैंने यहाँ से लगभग 4 इंच के बराबर, और पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच, तो उससे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है ये, ताकि हम इसे ऐसे मोड़ सकें। ये आप 4 इंच तक भी ले सकते हैं, पूरा कवर होना चाहिए आपका ये जो पट्टी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और इस पर प्रेस करेंगे क्योंकि चिपकाने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड से ग्लू होता है और एक साइड से रफ होती है, और आधा इंच कपड़ा आपको छोड़ते हुए प्रेस करना है, बिल्कुल किनारे के ऊपर इसको नहीं लगाना है, और दोनों साइड से प्रेस करना है जितना आपको चाहिए। उल्टी साइड से भी मैं इसको और फिनिशिंग दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी, और इन सभी का वीडियो डिटेल में भी है, सभी मैंने प्रेस करके रख ली है। अब इनको लगाएंगे, तो आप एक कोई भी साइड ले लीजिए लहंगे की। अब जो हमने आधा इंच कपड़ा रखा था उसी के ऊपर सिलाई लगानी, बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि फिर बुकरम को मोड़ोगे तो किनारे वाली साइड से बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो पूरे ही जितना भी आपका घेरा है ये, उसमें आप ऐसे लगा लीजिए सिलाई। ये देखिए, यहाँ से पूरे घेरे में सिलाई लगा लीजिए। वैसे हमने नाप के ही लिए, अगर हमारी थोड़ी बहुत बुकरम बचेगी ये पट्टी तो उसको हम कट करके सिलाई कर लेंगे। अभी हम इसको सीधी साइड को रख के लगा रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है जो लहंगे की सीधी साइड है वहाँ मैंने पट्टी को उल्टा करके रखा है। अब हम इसको पलट देंगे और जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है उसको पहले हम सिल देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, यहाँ से पहले हम इस कपड़े को ही सिल लेंगे जो हमने लिया था, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए। अब मैंने इसको अंदर की साइड मोड़ दिया है। अब देखिए, इस लहंगे को मैंने उल्टा कर लिया है ताकि मुझे ये पता रहे, क्योंकि इसमें ये लहंगे का तो कली वाला है और ये थोड़ा सीधी पट्टी है, तो छोटी छोटी प्लेट भी आएंगी, लगभग 4-4, 5-5, 6-6 इंच की दूरी से आएंगी, नज़दीक नज़दीक नहीं आएंगी। मतलब जहाँ पे भी प्लेट की ज़रूरत होती है वहाँ कपड़ा खुद ही मुड़ जाता है, वहाँ आपको डालने की मतलब आपको सोचना नहीं है कहाँ डालनी है, वो कपड़ा खुद ही आपका मुड़ जाएगा वहाँ से। तो वहाँ पर आप छोटी सी प्लेट लगा दीजिए। तो जैसे देखिए, यहाँ से मुड़ गया तो अभी सीधा चलेंगे। अब जहाँ से भी हमें लगेगा कि यहाँ पे प्लेट की ज़रूरत है वहाँ पे एक छोटी सी प्लेट हम डाल देंगे। तो इसी तरह ध्यान रखना है, नीचे से घेरा भी आपका नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे में ये पट्टी लगा ली है। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये लहंगे का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। ये पहनने के बाद का लुक है, इसका दुपट्टा ब्लाउज मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर लूँगी। ये लहंगे को आप ज़रूर ट्राई करें, किसी भी फैब्रिक से करें,
तो ये देखिए घेरा बहुत ज़्यादा आया है इसका, आप देख ही सकते हैं, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ घेरा इतना है इसका। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब पूरा रेडी होके लहंगा कोई भी चीज़ पहनी जाती है तो उसका एक अलग ही लुक आता है, बस हमने रफली आपको इसे पहन के दिखाया है, तो जब पूरा तैयार होकर पहनते हैं तो एक अलग ही एक निखार आता है। तो बस मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको अच्छा लगेगा, और अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके अगर वो कोई लहंगा बनाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं तो ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।